हेलो एवरीवन, ललिता भादवत किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कद्दू। इसे पेठा भी कहते हैं और भी कई नाम से बुलाया जाता है इसे। तो ये देखिए, इसके इस तरह से पीसेस कर लेंगे हम, पतले पतली स्लाइसेस में। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब ली है मैंने एक कढ़ाई और इसमें डालूंगी मैं मस्टर्ड ऑयल। तो ये देखिए, जब तक तेल गर्म हो रहा है हम मसाले देख लेते हैं। हल्दी, आमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना, अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, गरम मसाला, जीरा, दो सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता और ये सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा मेथी दाना और जीरा। इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब जाएगा इसमें कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, इसको भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और इनको हम ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे, एक कुछ सेकंड के लिए। और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अपने ये कटी हुई सब्जियाँ। तो ये देखिए, मैंने पेठे को छिलके समेत ही कट किया है। आप चाहें तो इसका छिलका उतार भी सकते हैं, लेकिन छिलके के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए, इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे ढक के 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो ये देखिए, सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले के साथ। तो अब बाकी के बचे हुए मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं। नमक, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और अब हम इनको फिर से कर लेंगे मिक्स। और क्योंकि मैं कद्दू, जूसी कद्दू बनाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये देखिए, 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसको अब हम ढक के पकने देंगे। तो ये देखिए, कद्दू की जूसी सब्जी बनके तैयार है। आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना के खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। पूड़ी के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।